दिस इज दिव्या सिंह. मेरा नाम विपुल शाह है. मैं कमाल खान. हाय आई एम शारिक मिनाज. दिल्ली बस बनाने के लिए शारिक मिनाज जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, वो आए कि ये फिल्म की स्क्रिप्ट है. स्क्रिप्ट सुन के मुझे लगा कि ये फिल्म बनानी चाहिए. ये जो कांड आज से 6 साल पहले हुआ था, धीरे धीरे लोग इस कांड को भूल रहे थे. हमने इस फिल्म के जरिए इस कांड को लोग ना भूले और पूरी तरह से जागृति आए, इसलिए ये फिल्म बनाई है. और ये चीज़ को कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हुई है, ताकि आगे ऐसी कोई भी घटना ना हो. महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसी वजह से मैंने ये फिल्म की है. बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये, क्योंकि निर्भया का जो कांड हुआ था दिल्ली में, उसको तो खैर पूरी दुनिया अभी तक याद है. और आए दिन ऐसे हादसे होते रहते, थमने का नाम लेते नहीं है. द्रौपदी से लेकर निर्भया तक औरतों पर अत्याचार होते चले आए. दिल्ली बस एक संदेश है कि दोबारा कोई निर्भया ना हो. निर्भया एक ऐसा हादसा जो हिंदुस्तान को ही नहीं, जिसने पूरी दुनिया की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को हिला दिया था. कई दिन से ये हादसा हमारे दिलो दिमाग में घूम रहा था. तो हम लोगों ने कोशिश की है कि जो आज इस वक्त इस ऐसे हादसात बढ़ रहे हैं और लोग उनको भूलते जा रहे हैं, तो फिक्शन की शक्ल में थोड़ी सिनेमेटिक लिबर्टी लेकर हमने उस हादसे का, उस वक्त के दर्द को पेश करने की कोशिश की है. और उसी मतलब इर्द गिर्द कहानी प्रोकर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है दिल्ली बस. और कोशिश की है कि ये फिल्म देखने के बाद लोग जो घटनाएं घट रही है उसके लिए मिलजुल कर एक आवाज़ उठाएं, एक इनकलाब आए, लोगों की सोच बदले, ओरा बदले, माहौल बदले, सरकार कुछ ऐसे कायदे कानून जो बनते तो हैं लेकिन अमल में आने में काफ़ी दिक्कतें और देरियां होती है, तो उसके आसान रास्ते निकले जाएं, निकालें सरकार. नारी 2019 में नोएडा में हम आ रहे हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट है, सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है, आप भी आइए और इस फंक्शन का हिस्सा बनिए. पिंकेस एक बहुत बड़ा NGO है जिसके अंदर 2 लाख से भी ज़्यादा महिलाएँ उनकी सदस्य है. और हम चाहते थे कि महिला की जागृति के लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है देश में, क्योंकि ये संस्था के काम वाकई में बहुत अच्छे हैं. औरतों के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है ये संस्था. 16-17 फरवरी को नोएडा में बहुत बड़ा नारी शक्ति का ये प्रोग्राम पिंकेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके अंदर हम तो शरीक होने ही वाले हैं, हमारी दिल्ली बस की टीम. साथ साथ में हम देश की सारी महिलाओं को अपील करते हैं कि मैक्सिमम लोग इस इवेंट के अंदर आए और इसे कामयाब बनाए. नारी 2019 जो नोएडा में हो रहा है उसके लिए हम आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी वहां पर आएंगे, क्योंकि यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को सम्मानित करने के लिए. और पिंकिश ऑर्गेनाइजेशन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. ये NGO जो काम कर रहा है, जिस एनर्जी से, जिस मकसद से, वो एक अच्छा मकसद है. और हमें लगा कि ऐसी कॉज के लिए जो कोई भी काम करे उसके साथ हमें कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए. ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोगों ने पिंकेज के साथ टाई अप किया है और पिंकेज को हमारा हर तरीके से सपोर्ट है. नारी 2019 इस वक्त पिंकेज का नोएडा में हो रहा है जिसमें हम लोग आ रहे हैं. और देश की तमाम महिलाओं से, लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वो भी आए. और ये बहुत बड़ा एक इवेंट है और इससे औरतों की शक्ति सामने आएगी. ये इवेंट के साथ साथ महिला शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं इसको आप, कि हम महिलाएं कैसी हमारी सोच बदलती है, कैसे हमारा पावर है, अपनी ताकत का मुजाहरा होता है, वो सब चीज़ें आपको इस इवेंट्स में देखने को मिलेगी. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए. 16-17 फरवरी नारी 2019. हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं, दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीर झुकाता हूँ.